नमिता विश्वास आपको मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आठ कक्षा का सात पाठ कहानी का शीर्षक जो लेखक हरि प्रसाद द्विवेदी ने वो कहानी का पाठ रखकर शिक्षकों ने क्या निराश हुआ जाए, तो लेखक हरि प्रसाद द्विवेदी ने क्या ये कहानी में लिखित किए कि आसपास में जितने भी डिप्रेशन है उसको निराश किया जाता है, उसको सुधार किया जाता है, ताकि वो जो सभी टीवी अखबार सभी पढ़कर जो परेशान रहती है तो उसको इसी के बारे में लिखे, तो इसको हम लोग सुधारेंगे। जो परेशानी होती है पढ़कर कि कोई डिप्रेस में जाता है तो इसको हम लोग उसको सुधार आहिस्ता ये पढ़कर इसके अंदर लिखे हैं। जो आसपास के जो पेशेंट है तो उसको जो निराशता रहती है टीवी अखबार में उसको सुधारने की और उस चीज़ को सुधारने की हम लोग कोशिश करेंगे, तो उसके बारे में लिखे हैं। तो हम अभी है क्या निराश हुआ जाए तो पठन करेंगे वो कहानी का। मेरा मन कभी कभी बैठा जाता है तो कौन कहते हैं, तो लेखक हरि प्रसाद द्विवेदी ने समाचार पत्र के उगी रखते चोरी तस्करी और पर समाचार भरे रहते हैं, बोलते हैं कि भ्रष्टाचार समाज निराश वो सब देखकर सब हम लोग निराश हो जाते हैं, कैसे इसको सुधारेंगे हम लोग। आरे प्रत्येक कुछ ऐसे वातावरण बना गया लगता है, देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रहे, डर व्यक्ति संदेश दृष्टि देखा जा रहा है, जो जितने भी उच्च पद में है उनके उतने अधिक दोष दिखा जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसको लोग दोष खोजने के लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएँ और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाए जाने लगेगा। दोष जिसमें नहीं होते हैं वही कारण है हर आदमी दोषी अधिक सीख रहे थे गुणी कम पर बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी तो विषय के चिंता का विषय है, हर आदमी का जो बोलते हैं ऐसी चिंत रहते तो उसका चिंता का विषय होता है। क्या है भारत पर जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने भारतवर्ष क्या है जो गांधी जी ने सपना देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर मनमोहन भारतीय संस्कृत स्वयं भारतवर्ष अतीत घर डूब गया, ये जो थे सो भारत के लिए क्या क्या देखा था कि जो अब कुछ नहीं वो सभी डूब गया, और द्राविड़ हिंदू मुस्लिम रुपये भारतीय आदर्श मिलन भूमि मानव जा समुद्र क्या सूखी गया। मेरा क्या करता है ऐसा नहीं सकता, हमारे महान मनुष्य के सपनों का भारत रहेगा, हमारा महान मनुष्य जो हमारे भारत के लिए जो कुछ किए थे उनके बात कुछ नहीं रहता, वो बोलते अभी सपना उनका रहेगा कैसे। यहाँ सही इन दिनों को कुछ ऐसे माहौल हो, ईमानदारी मेहनत करके जीविका चला वाले नीरे को बोले बोले श्रमजीवी पीस के झूठ तथा करे रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, ईमानदारी मुख्यतः पता समझता जाने लगा। ईमानदार जो है मुख्यतः रहता है जो चोरी चौकंत करते वो बोले बोले सजीव वो रहते उनको कुछ नहीं बुलाता। सच्चाई केवल वीरू जो है वीर विवश के लोगों की इसे पड़ी है, ऐसी स्थिति जीवन महान मूल्यों बारे में लोगों अस्थायी हिलने लगी है। तो लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष से कभी भौतिक वस्तु संग्रह भरता अधिक महत्व नहीं था, उसके दृष्टि में मनुष्य एक भीतर महान आंतरिक गुण स्थिर भाव पर बैठा हुआ था, वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना अपना बुद्धि की उन्हें इच्छा छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष कभी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा सजा बंधन बांध कर रहने का प्रयत्न किया है, पर भूख अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के दबाव उपेक्षा जा सकती, घूमना ठीक रास्ते पर जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ है कि इस देश में कोटि कोटि व्यक्तियों के होने अवस्था दूर करने के लिए से अनेक अब तक कानून बनाए गए हैं, कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा स्वास्थ्य स्थिति अधिक उन्नत सुचारू बनाने का लक्ष्य प्रीत है, परंतु जिन लोगों के इन कार्य लगाना है उनका मन समय से पवित्र नहीं होता, प्राय वही लक्ष्य भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा और ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। भारत पर सदात कानून के धर्म रूप में दिखाई देता है, आज का कानून धर्म अंतर क्या है, धर्म धोखा सकता है कानून दे सकता है, कारण जो लोग धर्म विरु कानून कुटिया उठा रहे संकोच करते हैं, वही बोलते हैं जो धर्म विरुद्ध के काम करते हैं वो धर्मों को धोखा नहीं दिया जा सकता है कानून दे सकता है, धर्म को धोखा नहीं देगा कानून दे सकता है। यही कारण जो लोग धर्म विरु कानून दुनिया में उठाने को वो संकोच करते हैं, इस बात के पसंद प्रमाण खोज सकते हैं। समाज ऊपरी वर्ग चाहे तो होता है भीतर भीतर भारतवर्ष भी अनुभव करता है कि धर्म कानून बड़ी चीज़ है, धर्म कानून बड़ी चीज़ है, ईमानदारी छपराई अध्यापक मूल्य बने हुए हैं, दब आवश्यक नष्ट नहीं हुए, आज भी मनुष्य प्रेम करता है, महिला सम्मान करता है, झूठ चोरी गलत समझता है, दूसरे को पहुँचा समझता है, हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को अनुभव करता है, आज भी आदमी अच्छे हैं,
वो बोलते हैं आदमी अच्छा आदमी है, महिला को सम्मान करता है, चोरी चक्र वाला समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुँचता है, जाना समय वो समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन का अनुभव करते हैं। समाचार पत्र में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है कि साबित करना हमें ऐसी खराबी थी। एक रुक कर चलती थी रात में कोई 8 किलोमीटर पहले को मत सुन जान बस का जवाब। रात को कोई 10 बजे बस में यात्री घबरा जाता है जाने के लिए, कंडक्टर उतर गया एक वहाँ के लिए चलता बना, लेकिन शहर में धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठने लगे तरह तरह की बातें शुरू कर दी, किसी ने कहा यहाँ डकैत होती है, एक दिन पहले शुरुआत लुटा गया था परिवार सहित, अकला तो पानी निकला तो पानी निकलना ना था, ऊपर आदमियों को समा गया था। कु देखो छवि में ऐसे ही लोग बस में जाते हैं तो सभी बातें करते, कुछ लोग जो मैंने ड्राइवर पकड़ कर मारने पीटने चाप करते हैं, ड्राइवर चेहरे पर हवाई उड़ रहे थे, कुछ जो मैंने आजकल तो मैंने मेरे पेपर में टीवी में सब समय देखा था ना वही, कुछ जो मैंने मिलकर ड्राइवर मारते हैं लोगों के उस पकड़ लिया बड़े अतर तो मेरी देखने के लिए बोला हम लोग बस कोई उपाय कर रहे हैं बचाई के लिए मारेंगे डर पेते के लिए ऊपर उसकी यात्रा मुद्दा। तो बच्चों देख कर मैंने यात्री को समझा मानना ठीक नहीं, जाते घबरा कर गए बात सुनने को तैयार होने नहीं, इसकी बातों के मत देखना देखा कंडक्टर पहले डाकुए को भेज दिया था। देखिए इधर मारपीट हो रहा था, मैं बहुत भयभीत, ड्राइवर किस तरह मारपीट से ड्राइवर को मारपीट बचा लिया, बच्चे भोजन पानी में स्कूल भी तो मेरी पानी हालत बुरी थी, लोगों के ड्राइवर को मारा तो बस उतार को घर घर रखा, कोई भी दुर्घटना नहीं, पहली बार समाप्त देना उन्हें ऊँची जान पड़ी गिर गया और विशेष अमर पड़ी। इसी समय क्या खाली चली रहा बस, खाली चल रहा थी उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है, खाली जाता था बस कंडक्टर बना था, हमने आते ही क्या अंडे से नई बस लाए हूँ, बस बैठी है पर बस चलाने लायक नहीं, फिर मेरे पास एक लीटर पानी थोड़ा दूध लेकर आया, बोला पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे दिखा नहीं देता, दूध मिल गया थोड़ा लेता आया यात्री बुझ कर फिर से लिया। वो बोलते हैं उनके पास चालक नहीं था, फिर पास लोटे में पानी और थोड़ा दूध लाए थे, पंडित जी बच्चों बोलकर दूध भूखे उनके लिए ले लिए और यात्री फिर जाना ही। सबसे उसे धन्यवाद दिया ड्राइवर, माफ़ी मांगी 12 बजे पहले से अंडे पहुँच दो बस के अड्डे पर कौन चाफी मांगने बजी पहले सबसे लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ मनुष्य कदम समाप्त हो गए, कैसे कहूँ लोगों में दासा माया नहीं है गई, जीवन में जाने कितनी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता कौन। लेखक हजार प्रसाद त्रिवेदी ने बोलते हैं कि गए भोखा धाखा बहुत कम स्थल विश्वास चीज़ें केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया जीवन कष्ट कर जाया, परंतु ऐसी घटना बहुत कम नहीं जब लोग आ कारण को सहाय थे मन ढरसा दिया हिम्मत बचाई कभी। रविंद्र ठाकुर अपनी प्रार्थना की थी भगवान प्रार्थना की संसार केवल नुकसान उठाने के पड़े धोखा खाने ऐसे अवसर पर प्राप्ति मुझे यही शक्ति दो तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूँ। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने किए प्रार्थना गीत में लिखे हैं नुकसान उठाना पड़े तो खाना पड़े ऐसे अवसर को प्रभु मुझे शक्ति दे तुम्हारा दे ना करूँ। मनुष्य विद्युत बड़े नतीजे पर पहुँच जाती है उन्हें बदलाव होगा वस्तुतः दिने दिने, लेकिन उन्हें भी आशा की ज्योति बुझी है महान भारतवर्ष पाने संभावना बनी हुई बनी रहेगी, मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं है हमारी देश जरूर बदलेगी। तो हजार प्रसाद दिवस ने देश को बदल मांगने के लिए बहुत अच्छी तरह कहानी लिखे हैं, वो भी भले जिस भी हो हम लोग कोशिश करेंगे सभी कुछ हमारे आसपास के जो चीज़ ख़राब हो रही है उसको बदलाव के लिए। तो बच्चों अभी हमारी हजार प्रसाद देवी का पाठन का 7 पाठ कहानी का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए तो कोई बात से निराश नहीं होना चाहिए, हमको सभी में सुधारने के लिए चेष्टा जरूर करना चाहिए। तो अभी इसका हम लोग अभ्यास करेंगे प्रश्नोत्तर क्या निराश हो जाएगा। अभी तो बच्चों अभी हम लोग प्रश्नोत्तर अभ्यास करें आपके विचार। लेखक ने पहले क्वेश्चन, लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों के उन्हें धोखा दिया फिर भी वो निराश नहीं हुए, आपके विचार इस बात के क्या है। पर उसका मानना है कि अगर इन धोखे के बाद रखेंगे इसीलिए विश्वास करना कष्टकारी होगा, इसलिए जब लोगों के अकारण उनकी सहायता निराश ढांढस दिया था हिम्मत बढ़ाई टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक लौटाने बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस को दूध लाना आदि ऐसे घटना, इसलिए विश्वास के समाज में मानवता प्रेम आपसी सहयोगता समाज तो नहीं हो सकता है, फिर भी उन्होंने सहायता किए कौन लेखक हजार प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरी प्रश्न दोस्तों का पर्दाफाश
तो क्या है दोष का प्रदोष करना, रूप सकत करना। तो दूसरे प्रश्न में क्या है, दूसरे प्रश्न दोस्तों समाचार पत्र पत्रियों को टुकड़े दिखने किसमें बिना किसी दूसरों को यह ईमानदारी किया समाचार के कम हो घटनाओं को टिप्पणी लिखो। तो बच्चों तो दोस्तों का पर्दाफाश करना तुम्हारे रूप में सकता है, हम किसी आचरण से उद्घाटित करके उसमें रस के हमारे ऐसा करना उग्र रूप धारण धारणाएं किसी ना हानि पहुंचाए। आजकल बहुत समाचार पत्र समाचार दोस्तों के पर्दाफाश होता है, सही विचार आप लोग लिखिए। इस पर पर्दाफाश समाज ज़्यादा बुराई को अपने आसपास करता है, इसी कारण समाज में जागरूकता आती है, समाज रहती है और सावधान होना चाहिए। तो क्या निम्नलिखित परिमाण क्या क्या हो सकते हैं आसपास कीजिए सच्चाई के लिए, सच्चाई केवल हमारा बेबस लोगों के हिस्से में करना ना, साई बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अविश्वास बढ़ेगा। लेखक ने शीर्षक क्या निराश होने के क्या, लेखक ने आजकल अराजकता घटना के लिए अपने आसपास घटना देखते हुए जिसने हमारा मन में निराश भरा देता है, लेकिन लेखन फिर भी अपनी निराश नहीं होते हैं। इसका अर्थ शीर्षक ने हमें निराश का आशा भी रख सकता है, हम कुछ भी सुधारने की सभी चीज़ का आशा भी कर सकते हैं। अगर उचित समझाता हूँ तो समझा जाता हूँ, बुझाए के पीछे रहते हुए जीवन जीने के लिए सत्कर्म दृष्टि जरूरी होता है। तो आदर्शों की बात करना बहुत आसान पर उन्हें चलता है बहुत कठिन। मैं इसके कथन से सहमित हूँ, कठिनाई सामना करना पड़ता है, असामयिक तत्व को अकेले सामना करना पड़ना चाहिए और सभी चीज़ को सुधारना चाहिए। तो बच्चों तो लेखक हजार प्रसाद द्विवेदी ने क्या निराश हुआ जाए में बहुत अच्छी घटनाएं अपनी सच्ची घटनाएं को लिखित किए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कहानी है। आजकल का समाज का वर्तमान टीवी न्यूज़ का सभी निराश ना आकर दृढ़ता से सतर्कता से सभी सुधारना सभी चीज़ को आसपास की भ्रष्टाचार को करना चाहिए। इसीलिए आप लोग पढ़कर इसको जरूर कार्य में लगाइए। अभी इसका प्रश्न तो भी हम लोग कर दिए, अभी आज के लिए बस निराश की हुआ जाए वीडियो संपूर्ण हुई। तो दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ बच्चों, मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।